नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत कुमार, आप देख रहे टू जेड प्रोसेस। आज हम बात करने वाली इस वीडियो में दोस्तों, पूरे भारत देश में फिर से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ, जिसे आप घर बैठे अपना मोबाइल फोन से मात्र 2 मिनट में आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप आवेदन कर देते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में भरा हुआ सिलेंडर और चूल्हा के साथ दिया जाएगा। तो कैसे आवेदन करना है, क्या इसका प्रोसेस है, सारा कुछ इस वीडियो में हम कंप्लीट बताने वाले हैं। अब दोस्तों बिल्कुल नए तरीका से आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मोबाइल या लैपटॉप का किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर में टाइप करना है LPG गैस 2.0, उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर जो लिंक दिख रहा है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के ऑफिशियल पोर्टल इस प्रकार से ओपन हो जाता है, जो इस प्रकार के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। इसमें कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बारे में दोस्तों यहां पे देखिए बताया गया है। तो यहां पर आकर सही तरीके से रीडिंग कर लेना है। ऐसे यहां पे बताया गया है कि आवेदन करना है महिला के नाम से, और उनका एज होना चाहिए 18+, और उनके घर में पहले से गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इस कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आवेदन करने के लिए कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके बारे में दोस्तों यहां पे देखिए बताया गया है। तो यहां पर आकर सही तरीके से रीडिंग कर लेना है। ऐसे हम वीडियो के आगे बताने वाले हैं कि आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, सारा कुछ आगे हम वीडियो में हम बताने वाले हैं। आवेदन करने के लिए यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है क्लिक हेयर के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 कंपनी का नाम देखने के लिए मिल जाता है, इंडियन, भारत गैस, HP गैस, जिसमें आप कनेक्शन लेना चाहते हैं उस वाले पे आपको क्लिक करना है। अगर आप HP गैस में कनेक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया गया है क्लिक हेयर टू अप्लाई, इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो सेकेंड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन, इसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है एक बॉक्स, इस बॉक्स पे सबसे पहले टिक आउट करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो आपको सुविधा पड़ता है उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं लोकेशन। उसके बाद अब यहाँ पे जो है कि आपको लोकेशन को सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपना स्टेट का नाम को सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। इस बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट के नेम को सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूटर के नेम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यानी गैस एजेंसी के यहाँ पे नेम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए गैस एजेंसी का पूरा डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाता है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी देखने के लिए मिल जाता है। इस मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अप्लाई करने के लिए इस प्रकार का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, इस फॉर्म को सही तरीके से फिलअप करना है। और फिलअप करने से पहले दोस्तों यहां पे देखिए एक आईडियो देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में आईडियो सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं तो इस वाले पर क्लिक करके सबसे पहले इस आईडियो को सुन लेना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिख जाता है एक बॉक्स, इस बॉक्स पे टिक आउट करना है। उसके बाद यहाँ पे दिख जाता है EKYC का एक बॉक्स, इस बॉक्स पे टिक आउट करना है। उसके बाद इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाता है एक बॉक्स, अगर आपका करेंट एड्रेस और आधार कार्ड का एड्रेस अगर सेम है तो इस बॉक्स पे टिक आउट करना है, अगर सेम नहीं है तो इस बॉक्स को छोड़ देना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है EKYC करने के लिए, आधार नंबर से और वर्चुअल आईडी से। तो अगर आप आधार नंबर से करना चाहते हैं तो आधार नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देना है। इस बॉक्स में अपना आधार नंबर को टाइप करना है। आधार नंबर को जैसे आप टाइप करते हैं तो EKYC करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है, आधार OTP से और फिंगरप्रिंट से। जिसे आप करना चाहते हैं उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे दिख जाता है एक कैप्चा कोड, कैप्चा कोड को इस बॉक्स में टाइप करना है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक OTP को सेंड किया गया है, OTP को इस बॉक्स में टाइप करना है।
उसके बाद इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में टाइप करना है और यहाँ पे दिख जाता है गेट डाटा फ्रॉम UIDAI, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आधार कार्ड का जो भी डिटेल्स है सारा डिटेल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। EKYC यहाँ पे हो जाता है। पहले दोस्तों यहाँ पे जो है कि EKYC नहीं हो रहा था, एरर प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता था और पहले साइट बंद था। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से साइट को चालू कर दिया गया है। अब आप फिर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आधार कार्ड से कुछ डिटेल्स उठा लिया गया है। अब आपको कुछ डिटेल्स को सिलेक्ट करना है और कुछ डिटेल्स को फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन को सिलेक्ट करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो रूरल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो अर्बन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम को फिलअप करना है, मोबाइल नंबर को टाइप करना है और यहाँ पे एक ईमेल आईडी को टाइप करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि अगर आप LPG गैस का सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं तो यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो दिया गया नो वाले उसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे बैंक का IFC कोड को टाइप करना है, कन्फर्म यहाँ पे जो है कि आपको टाइप करना है बैंक का IFC कोड। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर को टाइप करना है, इस बॉक्स में कन्फर्म अकाउंट नंबर को टाइप करना है। बैंक अकाउंट पे जो आपका नाम होगा नाम को यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ से सिलेंडर को सिलेक्ट करना है, 14.2 kg वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देना है। यहाँ पे आपको कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आधार कार्ड से EKYC कर दिया गया है और यहाँ पे अभी कुछ भी सिलेक्ट आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है तो आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड यहाँ पे जो है कि EKYC हो गया है, आइडेंटिटी प्रूफ में एड्रेस प्रूफ में भी जो है कि आधार EKYC हो गया है, तो ये सब आपको अपलोड नहीं करना है। बस आपको एक पासवर्ड साइज का एक फोटो अपलोड करना है, 50 KB तक होना चाहिए, 50 KB से आपको नीचे अपलोड करना है, 50 KB से ज़्यादा अपलोड नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे दिख जाता है आई एक्सेप्ट के बॉक्स, इस बॉक्स पे टिक आउट करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सबमिट सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाता है और आपको एक रिसिप्ट मिल जाता है, उसे डाउनलोड करके रख लेना है। और इसका स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे दिख जाता है चेक स्टेटस के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए देखने के लिए मिल जाता है उज्ज्वला, उज्ज्वले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर रेफरेंस आईडी नंबर को टाइप करना है, जो अप्लाई करते समय आपको मिला है वही नंबर को टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे टाइप करना है, चेक स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो भी स्टेटस होगा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों जैसे अप्रूव हो जाता है तो आपके एड्रेस पर आकर भरा हुआ सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर ये सारा चीज आपको दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों अगर आपके एड्रेस पर नहीं पहुंच पाते हैं तो सबसे पहले आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा, आपको जो है कि एजेंसी में बुलाया जाएगा और वहां पे गैस कनेक्शन कर दिया जाएगा। और अब इसमें सब्सिडी 200 रुपये और बढ़ा दिया गया है, अब आपको 400 रुपये का सब्सिडी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं और इसमें अप्लाई करना है उन लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं।